गाइज, आप लोगों ने वीडियो बनाने के लिए या फिर वीडियो देखने के लिए स्मार्टफोन तो खरीदा होगा। कौन सी कंपनी का खरीदा है? ओप्पो का, वीवो का, रियलमी का या फिर वन प्लस का? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी कंपनियां डिफरेंट है, लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ये सारे स्मार्टफोन एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है बीबीके, जो कि चाइना की कंपनी है। और आज के समय में ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके सीईओ अलग हैं, जिनके ब्रांड एम्बेसडर अलग हैं, जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अलग है, लेकिन ओनर एक ही है जिसका नाम है डोन योंग पिंग। है ना कमाल की बात। और मजे की बात यह है कि उसने सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स की बैंड बजा दी है और आज के टाइम 14 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप्चर करके बैठी है। बात अजीब है लेकिन सच है। रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने माँ के शव के पास मिला। उसकी माँ की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइज, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। गाइज, अगर आप मेरी तरह कार्स, स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स के दीवाने हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास आपके लिए। क्या आपको पता है कि ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लेम्बोर्गिनी, पोर्शे, स्कोडा, डुगाटी, ये सातों कंपनियां जो कि स्पोर्ट्स व्हीकल बनाती हैं, वो अलग अलग कंपनियां नहीं हैं, बल्कि इन सातों कंपनियों को एक ही कंपनी ओन करती है। इनकी मदर कंपनी एक ही है और उसका नाम है वॉक्सवैगन। जी हाँ गाइज, वॉक्सवैगन के अंडर ये सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियां आती हैं। बाय द वे, इन सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियों में से किसका स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स व्हीकल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, चैट सेक्शन में लिखना। एक फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया, लेकिन जब भी वो खाना खाती उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। गाइस, अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं, तो ये फैक्ट स्पेशली आपके लिए। क्या आपको पता है कि इंडिया में चप्पल पहन के बाइक चलाना गैर कानूनी है? जी हाँ गाइस, हालांकि हम इसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये बात सच है। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के हिसाब से आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते, क्योंकि ये सेफ नहीं माना जाता। उसके पीछे का पहला रीजन ये है कि अगर आप चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं तो आपको गियर बदलने में कभी ना कभी प्रॉब्लम जरूर आएगी। नंबर दो, अगर आपकी बाइक गलती से स्लिप हो गई और अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो आपको चोट लग सकती है, और वहीं अगर आपने जूते पहन रखे हैं तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। नंबर तीन, जूते पहन के किक मारना भी बेहद आसान होता है, वहीं अगर आपने चप्पल पहन रखी है तो किक मारने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।